अस्सलाम वालेकुम। यार खुलाला जी मां लस रोटे रावड़े बिस्मिल्लाह रहमान रहीम द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू शेयर विद यू पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस इज द टॉपिक एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। We will start it and we will talk about look at the topic bada topic ko dekhte jao hum isko plus iski history mein baitha jate hain ki ye kya hai so parts of speech and what are its parts bada ye Nerokta 5th century mein 6th BC mein jis zamane mein bahut इन ओल्डन टाइम बेटा ये जो ग्रीक सिविलाइजेशन राज कर रहा था और लैटिन सिविलाइजेशन राज कर रहा था तब इन लोगों ने 6th century BC में जो बीसी की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये कंडरात वगैरह बने थे ये उस जमाने के राइटर्स हैं तख्तबाई के कंडरात और वो टिक्सला के कंडरात ये 6th BC उसका जमाना था। Nerokta ने इसको थोड़ा सा लिखा और फिर बेटा संस्कृत ग्रामर जो है ना यास्का ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में 4 पार्ट्स को जो है ना इसके कैटेगरीज बनाए थे और फिर उसको पेश किया था। और बेटा फिर इसके बाद ग्रीक स्कॉलर जो प्लेटो था जो बहुत बड़े राइटर थे आई थिंक ही वाज अ टीचर ऑफ अरिस्टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बेटा फिर उसने इस पे काम कर दिया। और बेटा इसके बाद अरिस्टोटल ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम कर लिया ना। देखिए अब बेटा इसको हम सबसे शुरू कर लेते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? देखो बेटा नाउन क्या है? इट इज द नेम ऑफ पीपल, द नेम ऑफ प्लेस, द नेम ऑफ थिंग। नाउ नाउन नेमिंग वर्ड्स। देखो बेटा दुनिया में जितनी चीजें हैं वो हमसे ये डिमांड करते हैं उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम से पुकारा जाए तो बेटा उसको क्या कहते हैं? उसको नाउन्स कहते हैं। ठीक है बच्चे? और नाउन्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं बेटा पीपल, एक होते हैं प्लेस होते हैं और थिंग्स भी होते हैं। और बेटा इसके साथ साथ आइडियाज का नाम भी नाउन में आएगा। बेटा ये 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन है। अब पीपल पर्सन जिस तरह मिर्जा गालिब हो गया, पर्सन मेरी स्टूडेंट्स हो गई। अब प्लेसेस क्या है? कंट्री हो गए। ठीक है बच्चे, लाहौर, पेशावर। और थिंग्स क्या है? कप है, बुक है, जितनी चीजें आपके सामने पड़ी है बेटा ये सबको क्या कहते हैं? इसको नाउन कहते हैं। ठीक है बच्चे, Which one is noun? Actual thing. ठीक है बच्चे, वर्ड कंप्यूटर को देखो बेटा, this is the which one is noun? This is the actual thing, computer. ये बेटा क्या है? थोड़ा सा बेटा इसको देख ले, ये क्या है? This is called computer in front of you. It is lying in front of you. बेटा हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ नाउन। ठीक है बच्चे, बट इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि अब इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है कि नाउन की जरूरत मुझे क्यों है। देखो बेटा, बिकॉज ऑफ द नाउन वी आर हैविंग अ वेरी क्या कह सकते हैं बेटा, देयर इज अ लॉट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, हार्मनी इन द सिस्टम। द सिस्टम इज रनिंग वेरी स्मूथली बेटा नाम की वजह से, क्योंकि बेटा नाम की वजह से चीजों की आइडेंटिटी हो जाती है। फिर इस नाम की कैटेगराइजेशन हम 4 तरीकों से करते हैं, प्लेसेस और पर्संस होंगे, थिंग्स होंगे और आइडियाज का नाम भी नाउन है बेटा। सही है? अब बेटा देखो ये नाउन, अब इसके काइंड्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बेटा ये सारे है। लेकिन इसमें फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा बेटा कि कॉमन नाउन में ये countable noun बेटा ये जो है ये common में आएगा। ठीक है, uncountable भी common में आएगा, concrete भी common में आएगा। लेकिन बेटा इन सब की फिर सब categorization है। लेकिन बेटा देखो हम एक एक को define करते हैं। common को common noun क्यों कहते हैं? बेटा देखो मेरी क्या नीड है वो समझो बेटा। ठीक है, पहले मैंने आपसे कहा था ना, these name general non specific people places things are ideas, मैन, सिटी, रिलीजन, एयरलाइन। बेटा मैं कॉमन को कैसे डिफाइन करता हूँ? कॉमन नाउन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, शेयर्ड बाय ऑल। ठीक है बच्चे, शेयर्ड बाय ऑल का मतलब क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है,
ठीक है बच्ची, उसने हाथ पे घड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, कपड़े पहने हैं, तो आपसे डिमांड है कि वो बॉय है कि गर्ल है, आपने ये बताना है। बॉय है ना, उसके अपने ट्रेड्स हो गई। तो बेटा कॉमन ना, उनको कॉमन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अपने स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं जो सब में वो। अब सिटी बेटा कोई भी सिटी हो सकता है, जहां पर तुम्हें फैसिलिटीज नजर आएंगी हम उसको क्या कहेंगे, सिटी कहेंगे। रिलीजन किसी बंदे का फेर जिसके मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजारता। दुनिया में कितने मजाहब है, क्रिश्चियनिटी है, जूजम है, हिंदुइज्म है, मुस्लिम्स है, एथियज्म है, पोलिथियज्म है, बड़ा ये सारे रिलीजन है, लेकिन एज अ होल इसको हम फिर रिलीजन कहते हैं। एयरलाइन अब कौन से है, देखो बेटा एयर ब्लू है, सऊदी एयरलाइन है, पाकिस्तानी एयरलाइन है, शाहीन एयरलाइन है, लेकिन एज अ कॉमन इसको हम बेटा एयरलाइन कहते हैं। ठीक है बच्ची, अब मैन कोई भी है तो कॉमन को। अच्छा बेटा क्वेश्चन मेरा ये है कि कॉमन उनको हम प्रॉपर से अलग क्यों करते हैं। तो बेटा थोड़ा सा इधर देख ले, मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। देखो बेटा इंटर, देखो बेटा अगर यहाँ पर मेरे सामने ऐसा हो ना, ऐसा मैन, तो बेटा इस सेंटेंस को आप देखिए, ये गलत क्यों है, व्हाई इट इज रॉन्ग, दिस इज द क्वेश्चन। ये गलत क्यों है, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, मैं कहता हूँ ये टोटली गलत है। रीजन क्या है, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम इसमें क्या है। तो बेटा आप इस वर्ड को देखो, इसको देखो, ये मैंने लिखा है, तो बेटा ये क्या है, ये गलत है। मैन क्यों गलत है, तो अब स्टूडेंट को ये अंडरस्टैंड करना है डिफिनीशन से कि आईसा अ मैन। तो बेटा यहाँ पर जो आप मैन देख रहे हैं ना, ये मैन जो है ना, इट इज रिटन इन द कैपिटल लेटर। मुझे क्यों अंडरस्टैंड करना है कि कॉमन और प्रॉपर अलग अलग होनी चाहिए। तो बेटा इसका सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन रिटन इंग्लिश है, कि आपकी रिटन अच्छी हो जाए। तो बेटा जहां पर आप कॉमन नाउन को लिखोगे, इफ इट इज नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, और ये जहां पर भी होगा तो इट विल बी विद स्मॉल लेटर नॉट कैपिटल लेटर। तो बेटा फिर देखो ये जो, अब इसको थोड़ा सा देख ले, तो बेटा अब इसकी जगह हम इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी विल राइट, अब बेटा इसका सही क्या होगा, इसका सही ये है बेटा, इसका सही ये है। रीजन क्या है, क्योंकि मैन तो का, ये तो कॉमन नाउन है, अगर आप इसको कैपिटल लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके साथ एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं, ऐसा अब बॉय, देखो बेटा ऐसा अब बॉय, अब बेटा ये सही है। अगर इसको बेटा मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा इस लफ्ज को, तो बेटा ये सही क्यों है, अगर इसको बेटा मैं कैपिटल लिखूं तो गलत क्यों होगा, क्योंकि मैंने रूल्स में पढ़ा है कि कॉमन नाउन शुड बी रिटन विद स्मॉल लेटर नॉट कैपिटल लेटर। अब प्रॉपर को देखो, दीज नेम स्पेसिफिक पीपल प्लेसेस एग्जांपल इमरान खान, लाहौर, इस्लाम एंड टीआईए। बेटा अब ये प्रॉपर क्या है, स्पेसिफिक ट्रेड्स होंगे, ऑल द नेम्स इन इंग्लिश आर प्रॉपर नेम। क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, ऑल ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इज अ कॉमन नेम, ऑल ऑफ देम आर बॉयज एंड गर्ल्स, सो बॉयज एंड गर्ल्स आर कॉमन नेम।
लेकिन बेटा अगर मैं ये कहूँ कि अली कम हेयर, वकास कम हेयर, फायजा कम हेयर, जितनी भी नाम है कायनात कम हेयर, तो बेटा इसकी वजह से अभी जो मेरे नाम्स होंगे ना, ये क्या होंगे, ये स्पेसिफिक बन जाएंगे। ठीक है बच्चे। अरे बेटा देखो, ये बेटा इसका मेथड है, ठीक है, ये प्रॉपर हो गई काम ऑन। टाइप्स ऑफ नाउन, ये बेटा एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट इसको इसकी मीनिंग में आपको बताऊं बेटा, इसकी मीनिंग है डेराइव्ड ऑफ, अखस की गई बेटा। क्या मतलब? देखो बेटा, हैप्पी अगर है, अगर आप हैप्पीनेस देख रहे हैं ना, तो दिस हैप्पीनेस हैज बीन टेकन फ्रॉम द हैप्पी। ठीक है बच्चे। एंड लव हैज बीन आल्सो टेकन, इट्स लवेबल, इट वाज लवेबल, सो लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है बच्चे। अब बास नाउन ऐसे है कि ये खुद अपने आप से बने हैं। अब बेटा रिलीजन बना है रिलीजियस से, और बिलीफ्स बना है बिलीफ, रिलीजन, प्राइड, लव, हैप्पीनेस। बेटा ये मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर टेकन फ्रॉम एडजेक्टिव्स। ठीक है बच्चे, ये एडजेक्टिव से ली गई है। मसलन मैं रोजाना कहता हूँ कि वाइज, इज अ वाइज पर्सन, तो बेटा आपने वाइज को बहुत सुना। लेकिन अगर मैं कहूँ विजडम, तो आपने बहुत कम सुना होगा विजडम के बारे में, विजडम आपने नहीं सुना होगा। तो बेटा ये जो विजडम है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है बच्चे। द नेम समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर फाइव सेंसेस, वो तमाम चीजें जो जिसको तुम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते, आप अपने सेंसेस से न आंख से देख सकते हो, न कान से सुन सकते हो, न जुबान से टेस्ट कर सकते हो, न हाथ से टच कर सकते हो। ठीक है बच्चे। इसको हम कहते हैं, मसलन देखो बेटा मैं कहता हूँ ना, ही इज अ ग्रीडी पर्सन। अब ग्रीडी एडजेक्टिव है, लेकिन ग्रीडी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? ग्रीड होगा। ठीक है बच्चे। तो अब थर्स्टी, ही इज अ थर्स्टी पर्सन। अब थर्स्टी का एडजेक्टिव क्या होगा? सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन थर्स्ट होगा। बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसको आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते। इसका मुकाबले में अपोजिट इसका कंक्रीट है। तो बेटा कंक्रीट तमाम उन नेम्स को कहते हैं जिसको आप टच कर सकते, आइस, लाइन, सूटकेस, फ्लावर, चॉकलेट। ठीक है बच्चे। अब बेटा काउंटेबल कौन से होंगे? काउंटेबल बेटा वो होंगे जिसको तुम 1 2 3 4 5 6 7 में कर सकते हो। आपके क्लास में आ जाओ, तुम्हारे क्लास में फैंस लगे हैं, यू कैन काउंट देम। आपके क्लास में चेयर्स पड़े हैं, यू कैन काउंट देम। आपके क्लास में स्टूडेंट्स है, यू कैन काउंट देम। आपके क्लास में अलमेराज है, यू कैन काउंट देम। आपके क्लास में ट्यूबलाइट्स है, यू कैन काउंट देम। लेकिन बेटा अगर मैं ये कहूँ कि क्लास में कूलर ऑफ वाटर पड़ा हुआ है, जिसमें पॉट ऑफ वाटर है, जिसमें पानी है, तो कैन यू काउंट द वाटर? नो, यू कैन नॉट काउंट इट। तो जो काउंटेबल होंगे बेटा वो कौन से होते हैं? दैट कैन बी काउंटेड विद 1 2 3 4 5। अब बेटा आप शुगर का एग्जाम्पल ले लो, चीनी का, मिल्क का ले लो, राइस का ले लो, स्नो का ले लो, वाटर का ले लो, रेन का ले लो, फूड का, आप इसको काउंट कर सकते? नहीं काउंट कर सकते। तो बेटा वो अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है बच्चे। और कंपाउंड को देखो बेटा, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, दीज आर मेड अप ऑफ टू और मोर स्मॉलर वर्ड्स, मतलब आई ग्लास, सन फ्लावर्स, न्यू यॉर्क, आई ग्लासेस। देखो बेटा, देख रहे ना, ईयर रिंग्स। तो बेटा ये कंपाउंड नाउन है। अब बेटा कलेक्टिव नाउन को देखो, कलेक्टिव नाउन, दे रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल, बहुत ज्यादा चीजें जमा हो गई, फिर आप उसको एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं। यूनिट्स तो ज्यादा है, लेकिन आई विल कंसिडर इट अ सिंगल यूनिट। तो बेटा फिर उसको मैं कैसे लूंगा? बंच ऑफ ट्रीज। तो बेटा अब रूल्स क्या है कि कलेक्टिव नाउन मुझे क्यों याद करने हैं? याद बेटा यहाँ पर पॉइंट को देखो, पॉइंट जरूरी है। कलेक्टिव नाउन हर जगह अपने साथ क्या लेगा? कलेक्टिव नाउन अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। देखो द बंच ऑफ ट्रीज। अब यहां पर लफ्ज को देखो, मैं क्या लिख रहा हूं, इज फर्टाइल। देख रहे हो मैंने क्यों ऐसे लिखा? बोलो, रीजन इज The bunch of trees is fertile. Look at this is a. Why is a? Trees तो बहुत ज्यादा है, but my this verb should be in agreement with the subject one. देखो बेटा मैंने इसको रेड कर लिया, अब ये सही है। Apparently ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर तो मुझे क्या लगाना है, फील ऐसे होता है ना, यहाँ पर तो
आर का लगाना जरूरी था, ऐसे होना था ना स्टूडेंट, यह ये चीज नहीं समझते। बी यू एन सी एच बंच ऑफ ट्रीज आर फर्टाइल, बेटा इसको देखो ये गलत क्यों है बेटा, ये स्टूडेंट, ये टीचर नहीं समझाते, स्टूडेंट नहीं समझते इसको। हम स्टूडेंट को क्यों बेटा कलेक्टिव नाउन समझाते हैं बेटा? अभी देखो ये सेंटेंस जो है ये टोटली गलत है, इट इज टोटली रॉन्ग। ये गलत क्यों है बेटा? ये गलत इसलिए है बेटा कि यहाँ पर आर लगा और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। द बंच ऑफ ट्रीज, अब मुझे ट्री से कोई कंसर्न नहीं है बेटा, ये मेरा जो एज है ना, इट शुड बी इन एग्रीमेंट विद दिस बंच, ये बंच के साथ एग्रीमेंट में होना चाहिए, ठीक है बच्चे? इस वजह से ये क्या है, दिस इज कॉल्ड, ये सही है बेटा, दिस वन इज ओके, ये सही है, एंड दिस वन इज रॉन्ग बेटा, ये गलत है, समझ रहे हो बेटा? ये गलत है, नीचे वाला, ऊपर वाला करेक्ट है। ये अंडरस्टैंड करना आपने, बच्चे था खुद ही का ना खैर नहीं बल्ला वाल बच्चे ने भी टाइप्स आप नाउन को देखो, बट अब सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन बेटा आप इसको खुद पढ़ ले, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चे? बेटा फिर आगे देखो टाइप्स आप नाउन, पोजेसिव नाउन को देखो बेटा, डेट्स कार द स्टूडेंट्स बुक्स एंड, बेटा पोजेसिव नाउन उसी नाउन को कहेंगे जो कि पोजेशन को शो करेंगे, फर्स्ट ट्रफी लगेगी, एस लगेगा, डेट्स कार, ठीक है बच्चे? अलीज बुक, वकार्स कैप, बेटा इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रफी जॉब लगाते हो तो बेटा इसकी वजह से आपका वो जो नाउन बनता है वो पोजेशन नाउन बनता है। लेकिन बेटा ये लिविंग थिंग्स के लिए होगा, याद रखना स्टूडेंट के साथ बुक आया है। अगर मैं कहूँ ना चेयर्स लेग तो ये गलत होगा, फिर मैं लिखूंगा द लेग ऑफ अ चेयर, ठीक है? फिर आपके साथ होगा वो पोजीशन, इसके साथ आप शो नहीं करते नॉन लिविंग थिंग्स में। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स, बेटा ये तो रूल्स मैंने दी है, काइंडली आप इसको खुद पढ़ ले। बच्चे वाला धोखा भरा सा रोड भरा के हाँ छता बालने वे हाँ रखा कुशल वे रखा कुशल राके बदर ने वे नोट रखे ना बदर को मिसे पड़े फिंदर नोट बदर को मा नाउन अलेक्सिस वाले का धोखे एकदम विरासत ऐसी तरह लो वाले राय वाले चुका की चुके हुआ है द सिंगल नोट द नोट्स ऑफ वन पर्सन प्लस समथिंग इज सेड टू बी मिसिंग और नाउन लाइक मैन कैट एंड चाइल्ड अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन प्लस और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल नाउन लाइक मैन कैट ऐसी बग आप लोगों बच्चे यार मोस्ट ऑफ सिंगल नाउन्स मेक्स देयर प्लूरल बाय एडिशन ऑफ एस एंड साउंड एज ज बैलून बिकम्स and balloons marta rakta more andar ya the milavati hue hai
बॉक्स एंड बॉक्सेस। बड़े आप इसकी रूल को थोड़ा सा खुद पढ़ ले, खुद स्टडी कर ले, ये बच्चों वाली चीजें है ना। दीज आर नॉट सपोज टू कम इन योर इंग्लिश पेपर ऑफ योर आईपीएमएस एग्जामिनेशन, सॉरी केमयू एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चे, आप इसको ऐसे देखिए, इसको खुद पढ़ ले बेटे, ठीक है। हाँ अब बेटा आ जाते हैं एडजेक्टिव की तरफ। अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, इट एनहांसेस द इंपैक्ट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। बेटा वो तमाम वर्ड जो आपके नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसकी मीनिंग में एड एडिशन लाते हैं, बेटा वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है बच्चे, बेशक वो क्या हो, और करो बेटा, वो एडजेक्टिव हो, सॉरी वो आर्टिकल हो, डेफिनेट आर्टिकल हो, इनडेफिनेट आर्टिकल हो, अनदर एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, जो भी होगा जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको एडजेक्टिव कहेंगे। देखो बेटा ये थोड़ी सी एग्जाम्पल यहाँ पर दी है ना, ऑल्दो बेटा ये बस मसला ये है कि बेटा इंग्लिश स्पेशली दिस दिस ये क्लासेस ऑनलाइन की नहीं है बेटा, ग्रामर इज ए टेक्निकल थिंग। ये मैं आपको बड़े अच्छी तरीके से समझाता क्लास में होता तो बेटा मुझे पता है आप इन चीजों को कैसे पिक करोगे, लेकिन अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। एडजेक्टिव मॉडिफाइंग नाउन, नाउन को कैसे मॉडिफाई, एक बार एक एलिफेंट के बारे में आपने कहा ना, अब एलिफेंट की मॉडिफिकेशन लार्ज ने कर दी। एक घर है, उस घर को मैंने एम्प्टी कहा, दूसरे ने उसको कहा ब्यूटीफुल कहा, ठीक है। तब एम्प्टी और ब्यूटीफुल दोनों हाउस के लिए क्या हो गई जी बच्चे, एडजेक्टिव हो गए। एडजेक्टिव मॉडिफाइंग प्रोनाउन को भी करते, ही कौन इज अ ब्रेव मैन, ब्रेव, दे आर गुड स्टूडेंट्स। अब वो किसको, प्रोनाउन को, ही और दे को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, ये मॉडिफिकेशन करते हैं। प्लेसमेंट कहाँ पे आएगा, इट टेक्स इट्स प्लेस बिफोर एज वेल एज आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन व्हिच इट मॉडिफाइज। शुरू में भी आ सकता है, ही इज अ ब्रेव मैन, ही इज अ ब्रेव मैन, ही इज अ ब्रेव मैन, आई फाउंड हिम वेरी ब्रेव, वो भी आ सकता है। हाउस वॉज एम्प्टी, दिस इज एन एम्प्टी हाउस। बट इसको देखे, ये शुरू में आ सकता है, बाद में भी, इज अ ब्रेव मैन। He's a brave man. I देखो बेटा मैं लिख रहा हूं शिफ्ट के साथ कर लो, I found him brave. देखो इसको देख रहे हो, वही मॉडिफिकेशन है, लेकिन अब बेटा वह हैप्पी चला गया, ठीक है। I found him brave. बेटा ये भी है एडजेक्टिव, हाउस वॉज एम्प्टी, हाउस वॉज एम्प्टी, दिस इज positive. Now we are having degrees of adjectives. There are three degrees of adjective: positive, comparative, superlative degrees. Okay. Types of adjectives: possessive adjective, articles, demonstrative adjectives, indefinite adjectives, and adjective of numbers. But एक एक को हम define करेंगे. बड़ा यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक के पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक एक को मैं कर रहा हूं। व्हाट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव, दिस इज माई हाउस। बेटा इसमें माई क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है बेटा, आर्टिकल की तरफ आते हैं,
इज द मैन हुम आई मेट. देखो बेटा इज द मैन हुम आई मेट. अब इसको देखो बेटा यहां पर ये दिस वन, ठीक है बच्चे, दिस वन दिस वन बट आपके सामने ये एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. वी आर हैविंग फोर डेमोंस्ट्रेटिव इन इंग्लिश, दिस दैट दीज एंड दोज. दीज स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बट अब इस लफ्ज को देखिए, लुक एट दिस वर्ड, दीज दिस Those, that, ये सारे के सारे क्या है, इसको हम demonstrative adjective कहते हैं. ठीक है बच्चे, अब इसके लिए आप थोड़ा सा study भी कर ले. अब indefinite adjective को बेटा देख ले. Indefinite क्या होता है? I met a man. ठीक है, a man का मतलब क्या? कोई भी. I don't know he was, who he was, but I met a man. अब नहीं पता कौन है. तो आज जो है बेटा ये आपका इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो गया. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, मैनी स्टूडेंट्स, सॉरी मैनी स्टूडेंट्स, फाइव मेन. बेटा देखो अच्छा बेटा, अब तो आपको मैं एक रियलिटी बताऊं, प्लीज इसको अपने जहन में रख लेना, इसको अंडरस्टैंड करना, आपके बहुत काम आएगा बेटा, बहुत जरूरी है बेटा. याद रखना कि टू थिंग्स आर परमानेंट, वी कंसीडर देम एडजेक्टिव. नंबर वन, ऑल द कलर, ऑल द कलर्स all the colors are adjective and counting system. तेरा समझ रहे हो? All the colors are adjectives and counting system. अब colors देखो, the sky is blue. Blue is adjective. I met a black man. Black is adjective. The sky is red today, adjective. The water is blue in color, adjective. White, adjective. Black, adjective. Green, adjective. Purple, adjective. Our counting system beta jitna hai na, 3, 1, 2, 3, 4, 5, adjective. First, second, third, adjective. Many, so many, all. A few, the few, adjectives. Jitna counting system aapka hai beta aur jitne colors hai. बगैर किसी आपको टेंशन लेने की, ये सारे के सारे हम इसको एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं. ठीक है बच्चे, बट इसमें बहुत ज्यादा काम है इंशाल्लाह. जब दोबारा आएंगे क्लास में इसको हम रिपीट करेंगे. ठीक है, और ये बहुत जरूरी है पार्ट्स ऑफ सी स्टूडेंट्स के लिए, इंतहाई जरूरी है. लेकिन अब मसला ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में बेटा आप इसको नहीं पिक कर सकते, जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. फिर भी बेटा हमने यहाँ तक पढ़ा, आप इसको काइंडली प्रैक्टिस कर ले. ठीक है, थैंक यू सो मच.